दोस्तों, इस टाइम पे मैं हूँ अभी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर पे, और आज की वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कामाख्या कैसे पहुँचना है, कामाख्या में आपको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, और आप कामाख्या कैसे पहुँच सकते हैं, कामाख्या में रुकने की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि कामाख्या में घूमने लायक है, गुवाहाटी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पे आपको घूमना है, और इस वीडियो पे आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करूँगा, और आज की वीडियो पे मैं आपको लेके चलता हूँ कामाख्या देवी मंदिर दर्शन की तरफ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपको कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करने के लिए आने का क्या साधन है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो कामाख्या में दो रेलवे स्टेशन है। सबसे पहले रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो वो है यहां का कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां से मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर की रह जाती है। तो आप कामाख्या जंक्शन पहुंचकर आप मंदिर जा सकते हैं, यहां से आपको ऑटो टैक्सी देखने को मिल जाएगी। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कामाख्या के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है तो फिर आप आ सकते हैं एक दूसरे रेलवे स्टेशन, यानी कि गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन। दोस्तों, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भी आपका मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है, और ऑटो वाला आपका 300 रुपये लेगा और आपको वो वहाँ पे छोड़ देगा। और वही अगर आपका माध्यम है बाई फ्लाइट, तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो गुवाहाटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर आप कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हम पहुँच चुके हैं गुवाहाटी, अब हमको वहाँ स्टे कहाँ करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये है पलटन बाजार, जो कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। यहाँ पे आपको ढेर सारे प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका रेंज आपका मान के चलिए 1500-1200 इस तरीके के रेंज में आपको बहुत सारे यहाँ होटल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पलटन बाजार, यानी कि आप कहना चाहिए कि आपको आप मंदिर से 6 किलोमीटर दूर में है, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कामाख्या के पास अपना स्टे लीजिए, ताकि आप मंदिर के निकट रहें और दर्शन आपका कभी भी हो जाए। अब बात करते हैं कि कामाख्या मंदिर के आसपास होटल्स हैं तो, लेकिन उस पैमाने पर नहीं है जिस पैमाने पर पलटन बाजार में है। यहाँ पे आपको बजट कैटेगरी के होटल्स देखने को मिलेंगे, नॉर्मल डिलक्स रूम देखने को मिलेगा जिसका कॉस्ट 1000 रुपये तक होता है, और काफ़ी साफ सुथरा होटल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप 1000-1200 रुपये मान के चलिए मैक्सिमम आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और वही अगर मैं बात करूँ कि अगर आप कामाख्या देवालय गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं तो वो भी आपको रुकने की बंदोबस्त मिलती है, जो कि कामाख्या देवस्थानम ट्रस्ट का ये गेस्ट हाउस होता है। ये आपका मान के चलिए कि मंदिर से एक वो रास्ता जो जा रहा है वो आपका जा रहा है कामाख्या गेस्ट हाउस के लिए, और ये वाला जो रास्ता है ये आपका जाता है दर्शन लाइन के लिए। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का गेस्ट हाउस कैसा है। तो दोस्तों, ये जो कामाख्या देवालय है ये आपके मंदिर के ठीक पिछले स्थल पे बना हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप फोन करके बुकिंग कराना चाहते हैं तो करवा लीजिए, हालांकि यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग का कोई सुविधा नहीं है। चलिए आइए यहाँ पे बैठे एक भाई जी से मैं सारी डिटेल लेता हूँ। रूम मिल जाएंगे, हम लोग का मिलता है मंदिर का है, 1 महीना पहले बुकिंग होता है। यहाँ का जो पुजारी लोग है वो लोग का चुन से बुकिंग होता है। अच्छा, पुजारी लोग कुछ, हाँ वो लोग का चुन से बुकिंग होता है, और फिर भी आप लोग डायरेक्टली आ गया है कमरा खाली रहने से। अभी खाली है कि नहीं? अभी तो अवेलेबल पे नहीं। क्या रेट है ना कमरे का? 400-500-700-1500-2000 ऐसे करके। हाँ, कितने रूम है टोटल आपके? टोटल हम लोग के इधर में 19 रूम। 19 तो सब डबल बेड है या ट्रिपल बेड? जैसे ट्रिपल बेड का भी है, डबल बेड का भी है, एसी नॉन एसी? नॉन एसी भी है, एसी भी है। एसी नॉन एसी बोलना सब मिला ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट का। तो दोस्तों, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये है कामाख्या देवी मंदिर का प्रांगण, जहाँ पे हमको अभी जाना है, और हम लाइन में कैसे लगेंगे, कितना घंटा लगा, क्या क्या हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सारी एक इन्फॉर्मेशन मैं अभी आगे आपको देता हूँ, जिससे आपको कामाख्या देवी मंदिर अगर आप दर्शन करने आए हैं तो हर एक चीज़ें आपके दर्शन हो जाए, और कितना टाइम लगेगा, कब आना चाहिए, हर एक जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम स्नान कर लिए फ्रेश होकर, अब हम माता के लाइन में लगते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 बजे, और यहाँ से आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगी। यहाँ आप देख सकते हैं सामने सीढ़ी बनी हुई है, तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हमको ऊपर जाना है। लाइन में लगेंगे, मंदिर दर्शन चालू होगा 7 बजे, और 7 बजे से फिर हम देखते हैं हमको कितना समय लगता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा भीड़ कम है। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आज 16 सितंबर है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो अभी देखते हैं कितना हमको टाइम लगता है, चल के हम आगे आपको दिखाते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, ये है यहाँ की कुछ सीढ़ियाँ, जो कि आपको लगभग कहना चाहिए कि 150 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, और आप वहाँ सीढ़ी चढ़ के जैसे ही जाएंगे तो आपको मंदिर का गेट आएगा, वहाँ आप दर्शन कीजिए। दोस्तों, मैं 5 बजे लाइन में इसलिए लगा क्योंकि लाइन में लगने वाले लोग तो 4 बजे से ही आ जाते हैं। हालांकि जो मैं सबसे बेस्ट टाइम बोलूँ कामाख्या आने का, तो वो ये है, एक तो लगता है जो मार्च के महीने में मेला माता जी का, वो आप मेला छोड़ दीजिए और नवरात्रि छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप किसी भी टाइम पर आइए, आपके दर्शन नॉर्मल टाइम में हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे में आराम से आप दर्शन करके बाहर आ जाएंगे।
नवरात्रि में यदि आप आएंगे तो आपको 5 घंटे 6 घंटे भी लग जाते हैं दर्शनार्थी को, क्योंकि कामाख्या देवी मंदिर में लाइन उतनी ही ज्यादा लंबी होती जाती है। ये यहाँ का मुख्य एंट्रेंस गेट जहाँ से यात्रियों को अंदर लिया जाता है, और ये यहाँ से आप एंट्री करेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल तो अलाउ है, आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, मोबाइल कैमरा, बट ये है कि आप फोटोग्राफी मंदिर के अंदर नहीं कर सकते हैं जहाँ पे कामाख्या माता का गर्भगृह है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ की लाइन कितनी लंबी है। जैसा कि मैंने बताया कि नवरात्रि में आएंगे तो आपको 5 घंटा 6 घंटा भी लग जाएगा, लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं, जैसे कि मैं सितंबर मंथ में गया हुआ था, तो सितंबर मंथ में मुझे हार्डली 2 घंटे लाइन में लगे, क्योंकि मैं 5 बजे लाइन में लग गया था। 7 बजे मंदिर खुलता है, यहाँ का मंदिर थोड़ा सा लेट खुलता है, तो 7 बजे मंदिर खुलता है, इसलिए मुझे 2 घंटा वेट करना पड़ा और हार्डली आधे घंटे 45 मिनट में मैं दर्शन करके मंदिर से बाहर आ गया। तो हम जय माता दी का नारा लगाते हुए हम मंदिर में रहेंगे, आपको धैर्यपूर्वक श्रद्धा के साथ आपके माता जी के दर्शन करने हैं, तो लाइन में लगिए। यहाँ पे एक चीज़ों का और आपको सावधानी बरतना है कि यदि आपके साथ धैर्य बनाते हुए हम चलेंगे, जगह जगह पे आपको बैठने की बंदोबस्त दी गई है, तो आप आराम से बैठते हुए जाइए, माता जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से छोड़ा जाता है। वही अगर आप चलने में असमर्थ हैं, लाइन में नहीं लगना चाहते, तो यहाँ पे एक मिलता है आपको VIP पास, जिसको स्पेशल टिकट काउंटर बोला जाता है। यहाँ पे ये काउंटर बना हुआ है, 501 रुपये आपका लिया जाता है। वही अगर आपका बच्चा 10 साल के नीचे गया है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और यहाँ पे डिवोटीज के लिए वेटिंग हॉल भी बनाया गया है, तो अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं या फिर कोई विकलांग है तो आप इनको यहाँ स्टे भी दे सकते हैं अपने नंबर आने तक का। नंबर आने के पश्चात आप माता जी के दर्शन के लिए लाइन में लग सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब आप लाइन में रहेंगे तो यहाँ पे आपके बंदरों का बहुत बड़ा जमवाड़ा है, और वो बंदर आपके जो पूजा की टुकनी लिए रहेंगे, पूजा सामग्री लिए रहेंगे, उसका वो झपट्टा बहुत जल्दी मारते हैं, तो थोड़ा सा इस सावधानीपूर्वक रहिएगा ताकि आपका किसी भी तरीके का ऐसा अनहोनी ना हो। दोस्तों ये है यहाँ का पिछला गेट जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, और यहाँ एंटर करते साथ ही आपको सामने जो दिख रहा है एक और गेट, वहीं से हम जाते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। हालांकि मोबाइल कैमरा वर्जित था तो मैं अंदर जाके फोटोग्राफी नहीं कर सकता, वीडियोग्राफी नहीं कर सकता, तो आप यहीं से रहिए, यही चौखट है जहां से आपको माता के दर्शन मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग यहां पे मंदिर प्रांगण के बाहर, और हम दर्शन करके बाहर आ गए। दर्शन करने के पश्चात अब आपको मैं बताता हूं कि मंदिर कैंपस में क्या क्या चीज़ें देखने को आपको और मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे आता है इन्फॉर्मेशन सेंटर। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ें समझ नहीं आ रही है या कोई जानकारी चाहिए, तो यहाँ आप बूथ में आके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉयलेट की भी बहुत ही अच्छी साफ सुथरा व्यवस्था देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको वाटर कूलर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे कामाख्या देवालय का एक साइन बोर्ड देखने को मिलेगा, जो कि ये मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो गेट दिख रहा है यही एग्जिट गेट है। जब मैं दर्शन करके बाहर आया तो इसी गेट से आया, जो कि हमारा दर्शन के बाद आप यहाँ से बाहर आते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों बड़ी अच्छे तरीके से सोफ़ा और बढ़िया फ्लोरिंग वाला एक आपको चबूतरा देखने को मिलेगा बैठने के लिए, तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो आगे आपको यहाँ पे मिलेगा दिए का एक प्रज्वलित होता हुआ एक छोटा सा मंडप केंद्र। यहाँ पे दोस्तों लोग दिया प्रज्वलित करते हैं, अगरबत्ती प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं और माता जी को आरती करते हैं। तो यहाँ पे ये एक मंडप बना हुआ है, तो यहाँ पे आके आप अगर करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना मांगना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दिए के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जो मंडप है वहीं की कॉर्नर पे आपको माता कामाख्या की स्टैचू भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आप इनके दर्शन कीजिए, जय माता दी कीजिए, और यहाँ आप पूजा अर्चना अपनी कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मैं देखा यहाँ पे ये बकरे मिलेंगे आपको, गैया मिलेगी। यहाँ पे एक्चुअली बलि दी जाती है कामाख्या माता मंदिर में, यहाँ पे बलि दी जाती है, और ये है वहाँ का बलि देने का ये शाला। लेकिन ये जो शाला है इसके अंदर का आपको मैं दृश्य नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये संवेदनशील दृश्य होने के कारण मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि कमजोर दिल वाले ये सब चीज़ें ना देखें जहाँ पे बलि दी जाती है। और दोस्तों यहाँ पे पहले कोविड से पहले यहाँ पे अन्न सेवा क्षेत्र था, जो कि यहाँ पे फ्री प्रसादालय था माता कामाख्या देवी का, तो यहाँ पे अभी कोविड के बाद से बंद कर दिया गया है, लेकिन शायद अभी फिर से इसको आरंभ करने की तैयारियाँ चल रही हैं। तो कोविड के बाद से ये 2 साल तक ऐसे ही बंद पड़ा रहा, अब शायद फिर से ये माता का जो भोग लगा प्रसाद है ये अब वितरण होगा और हम सबको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारियाँ हो रही हैं, यही वो हॉल है
जहाँ पर बैठ के लोग प्रसाद ग्रहण करते थे माता जी का। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप मंदिर में कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, अगर कुछ प्रसाद लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे ढेर सारे आपको स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप कुछ अपने घर के लिए पूजा सामग्री या चुनरी लेना चाहते हैं तो ये सब भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे माता जी की मूर्ति, हर एक चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे प्रसाद पैकेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, नारियल देखने को मिल जाएगा, यानी जितने भी चीज़ें अगर आप लेने चाहते हैं छोटे मोटे, तो आप यहाँ कामाख्या मंदिर के जैसे ही आप बाहर आएंगे मंदिर के बाहर, तो वहाँ पे आपको स्टॉल देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों हम माता कामाख्या जी के दर्शन कर लिए और हर एक चीजें हमने घूम लिया। अब हम बढ़ते हैं एक और फेमस स्थान पर जो कि है वहां का उमानंद पर्वत। उमानंद पर्वत में बेसिकली दोस्तों वहां पे उमानंद जी हैं, यानी कि हम कहना चाहिए कि हमारे भोलेनाथ हैं, शंकर जी हैं, तो वहां पे उनका मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग है वहां पे। तो अब हम वहां चलते हैं जो कि आपका कामाख्या मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और उसके लिए हमको जाना पड़ता है जहाज से, और ये है यहाँ पे गुवाहाटी उमानंद का घाट। इस घाट को दोस्तों गवर्नमेंट फेरी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का शिप, गवर्नमेंट का स्ट्रीमर जाता है। यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले आपको टिकट काउंटर देखने को मिलेगा। अलग अलग यहाँ पे टाइमिंग में जो स्ट्रीमर जाती है, शिप जाती है, इसका टाइमिंग लिखा हुआ है। 5 ट्रिप मारती है दिन भर में, और इसका जो फेयर होता है वो 20 रुपये पर पर्सन होता है आना और जाना। 1 घंटे का ये ट्रिप होता है, 1 घंटे में आप जाएंगे, उमानंद जी के दर्शन कर लेंगे। तो चलिए हम पहुंचते हैं अभी उस आइलैंड पे, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे हमको कैसे दर्शन करना है, कितना हमको समय लगा और क्या क्या चीजें हैं। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड लग रहा है, जब अगर आप ब्रह्मपुत्र नदी पर एक दृश्य घुमाएंगे तो बहुत ही शानदार ये आइलैंड लगता है। तो अभी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कब वहाँ पहुँचूँ, जल्दी से हमारी जहाज शुरू हो और मैं उस जगह पर पहुँच के आपको आगे का दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके की लाइफ जैकेट दी जाती है ताकि आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योरली राइड करें, और लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी है अगर आप बाहर खड़े हैं तो। केबिन के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको लाइफ जैकेट पहननी पड़ेगी। फिलहाल अभी हम पहुँचने ही वाले हैं इस उमानंद आइलैंड पे, और फिर आगे मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमको मंदिर में कितनी भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक इधर से ये प्लेन रास्ता दोस्तों, और एक इधर से ये सीढ़ी वाले रास्ते। हम फिलहाल अभी सीढ़ी वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते तो आप इस प्लेन वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, थोड़ा सा ये लंबा पड़ता है, बट हम चल रहे हैं सीढ़ी वाले रास्ते से। लगभग दोस्तों हम 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, और सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात वहाँ पे आपको सामने दिख रहा है मुख्य द्वार, जो कि उमानंद जी का मुख्य द्वार है। तो यहाँ पे आप जाइए, मत्थे टेकिए, और हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश किए। यहाँ पे भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड था, तो मैं यहाँ पे अंदर का सीन आपको नहीं दिखा सकता, पर आप यहाँ जाइए और महादेव के आप शिवलिंग के दर्शन कीजिए। और साथ ही साथ यहाँ उमानंद पर्वत में एक और मंदिर है जिसको हनुमान जी का मंदिर बोला जाता है, तो आप यहाँ जाइए, इनके दर्शन कीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अपने अपने शहर के लिए रवाना लेने के लिए। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक कामाख्या में और मुख्य स्थान है जिसको शंकर बोला जाता है, और तिरुपति बालाजी मंदिर भी है, लेकिन मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव होने के कारण मैं वो नहीं जा सका क्योंकि वो काफी दूर था, 1 घंटा कहते हैं कि जाने में लगता है, तो इसलिए मैं वहां नहीं गया। बट ये 2 मुख्य चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। कुछ दर्शनार्थियों का ये कहना है कि पहले उमानंद का दर्शन कीजिए, उसके बाद माता कामाख्या जी के दर्शन कीजिए, तो आप ये दोनों दर्शन मुख्य तौर पर आप कामाख्या देवी आए हैं तो आप ये चीजें आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों कामाख्या बेसिकली 1 night 2 days सफिशियंट है, 1 रात 2 दिन में आप आराम से कामाख्या के सारे भी जो मेजर स्पॉट्स हैं वो आप घूम लेंगे। तो आप मान के चलिए कि अगर बजट होटल में भी रुकते हैं, खान पान भी अगर आप नॉर्मल करते हैं, तो एक व्यक्ति का मेरे ख्याल से जो कहना है वो 1500 रुपये मैक्सिमम कहना होगा मेरा, क्योंकि 1500 रुपये में आप आराम से 1 night 2 day का स्टे कर लेंगे। ये फेयर जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको मैं गुवाहाटी टू गुवाहाटी का बता रहा हूँ। आप बाय ट्रेन आ रहे हैं, बाय फ्लाइट आ रहे हैं, वो इसका एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा, खाने का, रहने का, वो जो कॉस्ट लगेगा, इसकी फेयर मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो दोस्तों ये था कामाख्या टूर का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है दोस्तों वो मुझसे प्रकट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं, इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।